नाम है? जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सिनेमा रिव्यू में आप सबका स्वागत है। 11 अगस्त को रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर एक से एक नए रिकॉर्ड बनाए थे। वहीं सनी देओल की फिल्म को सिनेमाघरों में लगे हुए 50 दिनों से ज़्यादा हो गया है। गदर 2 की वीकेंड की कमाई देखते हुए यह लग गया था कि फिल्म केवल हिंदी भाषा में ही 500 करोड़ का कलेक्शन जरूर करेगी और शायद पठान का रिकॉर्ड भी टूट जाए। पठान ने अपने लाइफ टाइम कलेक्शन के तौर पर कुल 524.53 करोड़ का कारोबार किया था, लेकिन गदर 2 ने सिर्फ 48 दिन में ही इस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, सनी देओल स्टारर्स गदर 2 ने अपने 48वें दिन कुल 40 लाख की कमाई की, जिससे फिल्म का कुल नेट हिंदी कलेक्शन 524.75 करोड़ पहुँच गया है। अब गदर भाषा में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है, लेकिन दोस्तों यह रिकॉर्ड फिर से शाहरुख खान के पास चला गया है। एटली के डायरेक्शन में बनी फिल्म जवान ने रिलीज के 22वें दिन 5,81,00,000 की कमाई कर कुल हिंदी भाषा में 525.50 करोड़ का कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब शाहरुख खान की ही फिल्म जवान बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। जवान ने अब तक सभी भाषाओं में कुल 581.90 करोड़ का कारोबार कर लिया है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पठान के कलेक्शन को पीछे छोड़ चुका है। फिल्म ने दुनिया भर में अब तक 1050 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों, आपको गदर 2, जवान और पठान में सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म अच्छी लगी थी, कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट जरूर कर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।